Hi everyone, hi, welcome to the channel, welcome to Study Smart. So in today's video, we're going to cover a very, very interesting and a very important topic, that is business ethics. Ethics kya hote hain? Now first of all, ethics come from a Greek word called ethos. Ethos ka matlab hota hai character. What kind of person you are? The ethics basically they tell you what is right or wrong, or what is good or bad. Right, these are called ethics. Agar define kare ethics ko, it is the science of judging. क्या जज करना है दैट व्हाट डू यू वांट टू अचीव एंड हाउ डू यू वांट टू अचीव दैट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है, उसे एथिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हर बिजनेस का मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट अटेन करे या एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस बन जाए, बट हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट, ये डिटरमाइन करते हैं आपके एथिक्स. यू शुड नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड. So I think all of you understand the words called integrity, moral, principles, value, honor, conscience. Conscience का मतलब होता है knowing what is right and what is wrong. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हम उसे अगर नहीं भी बताते हैं कि you know this thing is wrong, तो भी उसे कहीं ना कहीं पता होता है that this should not be done, या मुझे ऐसा नहीं करना है. Right? This is called conscience. Every human being is born with this thing. Like this is a very basic basic you know knowledge that we people are being provided with. Isse hum kehte hain ethics. Aur business mein ethics bahut zaruri hote hain. In fact everywhere ethics are very 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 important. They determine your character. Business ethics ki baat kare, so it is basically to determine what is right or what is wrong or what is appropriate in the workplace. Jahan pe aap kaam kar rahe hain wahan pe kya sahi hai aur kya galat hai. राइट, अब बिजनेस के लिए कोई सेपरेट एथिक्स नहीं होते हैं. देर आर नो सेपरेट एथिक्स फॉर बिजनेस, बट एवरी इंडिविजुअल और द ऑर्गन इन द सोसाइटी दे शुड अबाइड बाय सर्टेन मॉरल ऑर्डर्स. हर इंडिविजुअल से, सोसाइटी में हर इंसान से हम एक्सपेक्ट करते हैं वे कुछ मॉरल बिहेवियर फॉलो करेगा. राइट, दीज आर कॉल्ड बिजनेस एथिक्स. सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज अनएथिकल. अब बिजनेस में अनएथिकल क्या होता है? नंबर वन, मिसलीडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन. कोई गलत प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देना, इट इज़ रॉन्ग. आई मीन ऑल दो वी हैव अ लॉ फॉर इट ऑल्सो नाउ, अब हमारे पास इसके लिए लीगल प्रोसीजर भी है, लेकिन अगर लीगल नहीं भी है तो भी यू शुड नॉट प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. अनफेयर कॉम्पिटिशन. अनफेयर कॉम्पिटिशन होता है, सी फेयर कॉम्पिटिशन होता है आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज माई कैपेसिटी, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ क्योंकि मुझे कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करना है. अनफेयर कॉम्पिटिशन होता है कि मैं अपने कंपेटिटर को वीक कर रही हूँ ताकि वो कंपटीशन सर्वाइव ना कर पाए. इसे कहते हैं अनफेयर कंपटीशन. सो अ बिजनेसेस शुड नॉट गो विद अनफेयर कंपटीशन. जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जनरली कभी कभी ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि वो स्मॉल बिजनेस को अबॉलिश करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ रॉन्ग. दैट इज़ नॉट फेयर कॉम्पिटिशन. सो अ बिजनेस शुड नॉट गो विद दैट. मिस ट्रीटिंग एम्प्लॉयज़. अपने एम्प्लॉयज़ को मिस ट्रीट करना, उनको मैन्यूपुलेट करना, उनको फेयर सैलरीज नहीं देना, ऑल दिस इज़ अनएथिकल. And last is bribery. Yes, business should not involve in bribery. Just to get your work done, bribing the other person is a wrong way. So ये होती हैं कुछ unethical practices in the business. बहुत सारी होती हैं. Here I have mentioned 5 very major of them. ये होती हैं unethical practices and we expect businesses to not pursue them. चाहे इनके लिए legal laws हैं या नहीं हैं, तो भी हम expect करते हैं कि businesses unethical practices को follow नहीं करते हैं. इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस, क्या ज़रूरत क्या है एथिक्स को फॉलो करने की. नंबर वन, बेसिक ह्यूमन नीड. एज आई टोल्ड यू, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद अ बेसिक मॉरल कंसाइंस, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. ये हम एक बेसिक कंसाइंस के साथ बॉर्न हुए हैं, सो यू हैव टू फॉलो दैट. क्रेडिबिलिटी इन पब्लिक. पब्लिक में आपकी इमेज अच्छी बनती है. क्रेडिबिलिटी विद एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ में आपकी इमेज बहुत अच्छी बनती है. गुड एम्प्लॉयज़ दे वॉन्ट टू वर्क इन सच कंपनीज, दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सच कंपनीज. सोशल प्रेशर. आज की डेट में सोसाइटी बहुत ज़्यादा एनलाइटन हो चुकी है. बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं जो कि ध्यान रखते हैं दैट इफ़ द बिजनेसेस आर नॉट फॉलोइंग सोशल प्रैक्टिस, दे आर ऑलवेज देयर टू प्रेशराइज यू, चाहे गवर्नमेंट आपको प्रेशराइज करे या ना करे. देन कम्स लीगल इम्पेरेटिव ऑल्सो. ऑफकोर्स लीगल लॉज भी हैं. गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं जो कि इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस को कवर करती हैं. ऑफकोर्स हम हर अनएथिकल प्रैक्टिस के लिए लॉ नहीं बना सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, बट स्टिल गवर्नमेंट और द लीगल सिस्टम इज ट्राइंग टू डू दैट. एंड लास्ट आता है एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट. अल्टीमेटली एथिक्स को फॉलो करने से बिजनेसिस के लिए अपने लिए ही बेनिफिशियल होता है.
it is beneficial for them only, for their self-interest only, that if they follow the business ethics. So these are the importance of business ethics. फिर आता है स्कोप ऑफ द बिजनेस एथिक्स, मतलब कहाँ कहाँ पे, जैसे मैंने आपको एक बारी पहले भी वीडियो में बताया था, स्कोप का मतलब होता है कवरेज, कहाँ कहाँ तक आपको उसको कवर करना है, ठीक है. तो क्या क्या चीज़ें इसके अंडर आती हैं. तो स्कोप ऑफ द बिजनेस एथिक्स, नंबर वन होता है इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल मतलब बिजनेस में आप पर्सन टू पर्सन कैसे बिहेव कर रहे हो, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कैसा बिहेवियर करता है, क्या वो उसे हेल्प कर रहा है या उसकी इमेज स्पॉइल करने में लगा हुआ है, ऑल दिस थिंग. ये होता है इंडिविजुअल लेवल के एथिक्स. फिर आते हैं इंटरनल लेवल एथिक्स. इंटरनल लेवल एथिक्स का मतलब होता है कि सुपीरियर या मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बिहेव करता है. इज ही ट्राइंग टू हेल्प द एम्प्लॉयज़, इज ही ट्राइंग टू प्रमोट देम, और इज ही ट्राइंग टू डीमोटिवेट देम. ये होते हैं इंटरनल लेवल के एथिक्स. फिर आता है स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ओके, इन दिस वीडियो, इन दिस स्लाइड आई हैव स्टेक होल्डर्स. बिजनेस में जो और लोग हैं जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की फैमिली, कम्युनिटी, सप्लायर, उनकी तरफ हमारा बिहेवियर कैसा है. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स, क्या आप इन्हें ढंग से फॉलो करते हैं. और लास्ट आता है सोसाइटी के लेवल की एथिक्स. सोसाइटी के लेवल की एथिक्स, क्या आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हैं. सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, आर यू फॉलोइंग दिस. हो सकता है आप इंडिविजुअल लेवल पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, इंटरनल लेवल पे आपकी पॉलिसीज़ बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं, स्टेक होल्डर्स का भी आप बहुत ध्यान रख रहे हो, लेकिन आप इस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जो कि सोसाइटी के लिए सही नहीं है. सो दैट मीन्स आपका स्कोप सिर्फ स्टेक होल्डर लेवल तक है, आप सोसाइटी लेवल तक बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट. दीज आर दी स्कोप ऑफ द बिजनेस एथिक्स, राइट. और लास्ट हमारा आता है टॉपिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस एथिक्स. कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल, डू नॉट गेट स्केयर्ड बाय द स्लाइड. ये वही फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, राइट. इफ यू रिमेंबर, इन द बिजनेस एनवायरनमेंट वी हैव डन पेस्टल एनालिसिस, राइट. वही सब फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एथिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी कैसी है, कल्चर, ट्रेडिशन, फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल. कल्चरल फैक्टर्स, कल्चर कैसा है, आपका रिलीजन कैसा है, हेरिटेज कैसा है, बिलीफ सिस्टम कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है. पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट कैसी है, आइडियोलॉजी कैसी है, लीगल लॉज कैसे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, ये सब पेस्टल एनालिसिस होते हैं, ये सब आपके बिजनेस एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. देन कम्स योर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स. ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, ओनर्स का एटीट्यूड कैसा है, मैनेजर्स क्या सोचते हैं, इंटरनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ये सब आपके बिजनेस एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. और लास्ट आता है एथिकल कोड्स. टुडे मैनी मैनी प्रोफेशनल बॉडीज दे हैव कम अप विद अ लॉट ऑफ एथिकल कोड्स. बहुत सारे ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने लेवी किए हैं कि जो बिजनेसेस को फॉलो करने ही करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, IMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इन्होंने भी बहुत सारे एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट दिए हैं विच टेल यू कि बिजनेस को कौन से एथिक्स को फॉलो करना है और कौन से एथिक्स को फॉलो नहीं करना है. दीज आर नॉट द लीगल कोड ऑफ कंडक्ट, दे आर द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस एथिक्स. Clear? So this brings me to the end of the topic of the business ethics. I hope you people have understood it. If you like the video, please give a thumbs up and share it with your friends. Thank you so much.